बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। हाय। बस हो गया? और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं कभी दिखाते आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल का भी ब्लॉग रंगने पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दिन के 1 बजे से। 1 बज चुका है और हम लोग का खाना हो गया है। और आज खाने में बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि आजकल तबीयत खराब हो रही तो इस वजह से, और मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे उसका रीजन भी यही है, तबीयत खराब थी बीच में तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना रही थी। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी धूप आई है बाहर। और कल परसों बारिश हुई थी बूंदाबांदी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं हुई थी। और तो आजकल तो मौसम सही हो रहे हैं और आजकल गर्म भी हो रहा है दिन में। मतलब ऐसा लग रहा है जब धूप आ रही है दिन में तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी के दिन हैं। सुबह शाम थोड़ा ठंडा हो रहा है, हल्का सा, जितना पहले होता था उतना नहीं हो रहा है, कम हो गया है ठंडा। तो आजकल बहुत अच्छी धूप आ रही है और बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं ब्लॉग इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि बीच में तबीयत खराब हो रखी थी इस वजह से। और आज से मेरे डेली ब्लॉग आएंगे और आपको मैं डेली मिलूंगी। तो आज का मैं तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ बाहर और मैं डाल रही हूँ आज मूली का अचार, क्योंकि परसों मैंने काट के रख दिए थे धूप पे सुखाने के लिए। परसों तो धूप नहीं थी, बारिश हुई थी ना बीच में, तो इस वजह से धूप परसों नहीं थी, तो कल धूप थी। और आज भी बहुत अच्छी धूप है और आज का मौसम भी दिखाती हूँ मैं कैसा हो रहा है करके। तो मैं आज मूली का अचार डाल रही हूँ और आप लोग को भी बताऊँगी कैसे डाल रही हूँ करके, और आप लोग को भी दिखाऊँगी कैसे डाल रही हूँ। तो चलते हैं बाहर और मिलते हैं आपको बाहर ही। तो फ्रेंड्स अभी मैं बालकनी में हूँ और यहाँ पे मैं अचार बनाने का पूरा सामान लेके आ गई, नमक, तेल और अचार मसाला और मूली। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसे अचार मूली के अचार बना रही हूँ। और आज का मौसम एकदम क्लियर है, ये देखो बहुत अच्छी धूप आई है। आज का मौसम इतना मस्त हो रहा है, देखो बहुत अच्छी धूप आई है। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ मूली का अचार। और ये है अचार मसाला और इसमें है तेल सरसों का, जो मैंने सुबह गरम कर रखा था, गरम करके रख दिया था मतलब। और ये है नमक और ये काट रखी थी मैंने मूली। तो इसमें मैं डालूंगी मसाले, उसके बाद तेल, फिर नमक, फिर मिक्स करूंगी, फिर इस डिब्बे में डालूंगी। और ये डिब्बा मैं कल दुकान से लेके आई। और पहले बीच में मैंने आंवले का अचार डाला, तो उसमें डाले आधे मसाले और अब थोड़े और बचे हैं, तो मैंने सोचा मूली का अचार बना लूं। और वैसे देख रही है अभी कार्टून, ये तो सुबह शाम कार्टून ही देखती है हमेशा। तो इसमें 2 पैकेट थे अचार मसाले के और जो मैंने डाल दिए हैं, मैंने अब इसमें मसाले डाल दिए हैं। और ये है नमक, तो इसमें नमक भी डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी तेल तो अब इसे करूंगी मैं मिक्स, वो भी हाथों से। ज्यादा मत जाना छोटा।
फ्रेंड्स, मुझे तो मूली का अचार बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में बताना जरूर। और किसी ने बनाया है नहीं बनाया है, किसी को बनाना आता है नहीं आता है ये। तो फ्रेंड्स, मैंने मसाले, तेल और नमक मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे डिब्बे में डालती हूँ, फिर उसके बाद देखूँगी कितना तेल लगता है करके, कितना तेल डालना पड़ रहा है। फिर तेल डालूँगी दोबारा और डालना पड़ेगा, तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है, पूरा मिक्स कर लिया है मैंने। और अब मैं इसे डिब्बे में डाल रही हूँ और इसमें मिर्ची भी डालूँगी बाद में। अभी तो नहीं काट रखे हैं मैंने, बाद में देखूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी अचार तैयार हो चुकी है। तो आपको कैसा लगा मेरा अचार बनाने का तरीका, कमेंट करके बताना जरूर। मम्मी यहाँ भैंसी के लिए केले काट रही, और भैंसी को दे रहे हैं हम केले। ये देखो, ये कच्चे वाले केले हैं। क्योंकि भैंसी बेचारी की ना थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है, तो इस वजह से इसे केले दे रहे हैं, ठंडा होगा करके। भैंसी, और मैं जा रही हूँ अभी धारा, तो आपको वहीं मिलती हूँ धारे पे, और पानी लाने जा रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई धारा। फ्रेंड्स, अभी हम धारा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आए हैं अम्मा। ये भी पानी ले जा रहे हैं घर। गाइस, अभी हम खेत में आए हैं गोबर फेंकने, तो आगे से जा रहे हैं दीदी लोग। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। अभी यहाँ ना हमारे वहाँ के सारे खेतों में हैं, काम कर रहे हैं, कोई घास काट रहा है तो कोई गोबर फेंकने आया है। और मैं भी गोबर फेंकने आई थी, और अब जा रही हूँ मैं घर। तो गाइस, मैं खेत से घर आ गई, और मैं खेत में गोबर फेंकने गई थी, और घर आके थोड़ा काम किया और रास्ता साफ किया क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। और अभी हमारे वहाँ धूप चली गई और भैंसी बेचारी को ठंडा होने लग गया, तो इसे मैं गोठ में बांधती हूँ। और अंधेरा भी होने वाला है, तो फ्रेंड्स मैं करती हूँ काम और खाना बनाने का। सब्जी सोचती हूँ आज किसकी सब्जी बनाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आप लोग को। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है वैसु, और ये है हमारे शिवा, जो आप लोगों को हाय बोल रहे हैं। ये हाय बोलो, हाय बोलो, क्या बोलना चाहते हो बोलो। हाय, बस हो गया। और तो इनकी 3-4 दिन हो गए तबीयत खराब हो रखी है, अभी भी जुकाम और खांसी है बहुत ज्यादा। इन लोगों को खांसी और जुकाम है बहुत ज्यादा, और ये देखो बहुत खांस रहा है, दवाई से भी कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो अभी रात का टाइम हो रहा है और हम लोगों का खाना हो चुका है, हम लोगों ने खाना बना लिया और खा भी लिया है। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, अभी 8 बजे नहीं है। तो फ्रेंड्स, आजकल हर किसी को ऐसी हो रहा है, जुकाम खांसी बुखार, सबका यही हाल हो रहा है। और हमारे गांव में तो पूरे सभी को बुखार आया है, सब लोगों को, और दवा से भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये पता है, ये देखो खच, खांसी हो रही है, बोल खांसी। आपको क्या हो रहा है, खांसी हो रही, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा, कितना हो रहा है शिवा आपको, कितना हो रहा है। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने रूम में, और अब हम सोने की तैयारी हो रही है हमारी। अभी तो फिलहाल हम टीवी देख रहे हैं, अभी नहीं सो रहे वसु और शिवा, वो अभी टीवी देख रहे हैं। मम्मी बाहर हैं, भैंसी को चारा डालने गई हुई हैं वो। और
मैं जो मेरे YouTube में सब्सक्राइबर हैं उन लोग को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का, और बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट कर रहे हो आप लोग मुझे, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, और दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और जो लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि जिन जिन लोग के कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ मैं, उनके लिए दिल से सॉरी। और मुझे जितना टाइम मिल रहा है और जिन लोगों का मैं कमेंट देख रही हूँ उनका रिप्लाई देने की कोशिश कर रही हूँ और दे भी रही हूँ, और जिन लोगों का छूट रहा है, जिन लोगों का मतलब कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ वो यूट्यूब में हो या फिर फेसबुक में हो, उनके लिए उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। और आगे आने वाले टाइम में मुझे आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो मैं, और YouTube में जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो प्लीज़ मुझे आगे भी ऐसी सपोर्ट करना, और हो सके तो मैं आप लोगों के मतलब जिसके जितने कमेंट आ रहे हैं और जिसके जितने मैसेज आ रहे हैं और फेसबुक में या फिर यूट्यूब में, उन लोगों के मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी उनके रिप्लाई देने की, तो प्लीज़ मुझे ऐसी सपोर्ट करना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा चैनल है काव्य ब्लॉग उत्तराखंडी, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।